हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके महीने बंद हो गए हैं और आप मेनोपॉज की एज में पहुंच गई हैं तो आपको हो सकता है कि कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो और उसमें से एक सबसे कॉमन समस्या है कि वेट गेन का होना, यानी मेनोपॉज के बाद कई लेडीज को वेट गेन का सामना करना पड़ता है, उनका वजन बढ़ जाता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि मेनोपॉज के बाद आखिर वजन बढ़ क्यों जाता है और यदि वजन बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और यदि बढ़ चुका है तो उसे कैसे कम किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि हम का वजन कंट्रोल कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर मेनोपॉज के बाद वजन बढ़ क्यों जाता है। जनरली वजन नहीं बढ़ता है, बट किसी किसी लेडीज का वजन बढ़ जाता है। कारण एक ही है, महीने की महीने आपका ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है, आपके शरीर के अंदर थोड़ी तंदुरुस्ती आ जाती है क्योंकि ब्लड लॉस नहीं होने से हीमोग्लोबिन का लेवल ऊपर बढ़ने लगता है और रीजनेबली इस उम्र में आकर लेडीज फ्री हो जाती है पति से, बच्चों से, काफी तक हद तक फैमिली सेटल्ड हो जाती है। इसलिए वो रूटीन अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है जिसकी वजह से अच्छा खाना पीना और अच्छी लाइफ होने की वजह से वजन बढ़ जाता है और मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम हो जाता है और एंड्रोजेंस का लेवल यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी थोड़ा वेट गेन होने लगता है क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं वो थोड़ा सा वेट गेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका वेट गेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है डेली एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज के रूप में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, कम से कम 20 मिनट का वॉक 5 डेज अ वीक यदि आप करती हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन ओवरऑल हम 45 मिनट की एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं जिसमें कि आप 20-30 मिनट का वॉक कर सकती हैं, 20 मिनट का आप योगा कर सकती हैं और 10 से 15 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर सकती हैं। 45 मिनट में 15 मिनट आप वॉक को दे दीजिए, 15 मिनट आप योगा को दे दीजिए और 15 मिनट आप मेडिटेशन को दे दीजिए, जिससे कि आपके फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी में फिटनेस बनी रहेगी। और यदि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री रहेंगे तो आप अननेसेसरी ईटिंग से भी बच पाती हैं क्योंकि जब हमें स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा होता है तो हम डेफिनेटली खाने की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और हम ज्यादा खाना खाते हैं। और जब भी आपको भूख लगती है तो आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए और साथ ही साथ अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी होती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप पनीर है, चीज है, दही है, छाछ है, दूध है, इसके साथ ही साथ स्प्राउट्स हैं और इसके साथ ही रोस्टेड चना आप ले सकते हैं और मूंगफली आप खा सकते हैं। इन सब में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है और नॉन वेज खाते हैं तो उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन नॉन वेज को आप नॉन वेज खाइए जिससे कि आप तेल की मात्रा को कम कर सकें क्योंकि इस उम्र में आते आते लिपिड की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है और हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए ऑयल और फैटी एसिड हमें कम लेने होते हैं, प्रोटीन हमें ज्यादा लेना होता है ताकि मसल बिल्डिंग को इम्प्रूव किया जा सके क्योंकि ओल्ड एज के अंदर या 50+ लेडीज के अंदर मसल मास कम हो जाता है और फैट की मात्रा बढ़ने लग जाती है, इसीलिए भी वजन बढ़ता है। तो जैसे ही आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी। साथ ही साथ आप वे प्रोटीन 30 ग्राम अ डे ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन को पाउडर के रूप में लिया जा सकता है जिसको दूध में घोलकर या पानी में घोलकर लिया जा सकता है। और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यदि आप वॉक करते हैं तो आपका खाने का डाइजेशन अच्छा रहता है, भूख अच्छी लगती है और आपने जो भी खाना खाया है उसका डाइजेशन अच्छा होने से आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिल पाता है। और दिन में 3 से 4 लीटर यदि पानी पीती रहती है तो डाइजेशन के साथ साथ जितना भी टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर बन रहा है वो आपकी बॉडी से निकलता भी रहता है जिससे कि आप एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि आपको कैसा डाइट लेना और कैसा एक्सरसाइज करना है और पूरे दिन भर में और रात भर में आपको 8 घंटे की मिनिमम नींद लेनी जरूरी है, यानी कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आप सो सकते हो, दिन में भी 2 घंटे का आराम करती है तो टोटल 10 घंटे की नींद हो जाती है जो कि आपकी इस उम्र की एक रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अच्छा खाना है, अच्छी तरीके से सोना है, टेंशन और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है और अपना और अपने शरीर का ध्यान रखना है क्योंकि यदि आप फिट रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो मेनोपॉज को टेंशन की तरह ना लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि अब आपको महीने का दर्द बंद हो गया है, आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ गया है, खून की मात्रा बढ़ गई है, आपको फीलिंग अच्छी आ रही है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन और मसल मास का इम्प्रूवमेंट भी होने लगा है। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज का प्रॉपर मैच रखना पड़ेगा ताकि आप इस एडवांटेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए और इससे अपनी लाइफ को थोड़ी लॉन्जिटिविटी ऐड कर सकें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें।